वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। आज हम चीज़ सैंडविच बनाने वाले हैं जो काफ़ी यमी एंड टेस्टी सैंडविच है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। हमने एक कढ़ाई ले लिया है, कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद इसमें हमने प्याज डाल दिए हैं, वो भी लंबा लंबा काट के। हमने दो प्याज लिए हैं। इसमें प्याज को हमें हल्का फुल्का भूनना है, ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि जो सैंडविच होते हैं उसमें हमारा प्याज आधा कच्चा आधा पक्का अच्छा लगता है। अब हमारे प्याज आधे कच्चे भुन चुके हैं, तो अब हम इसमें एक टमाटर और एक शिमला मिर्च डाल दिए हैं। हमें इसमें प्याज ज़्यादा रखने हैं, टमाटर कम रखने हैं। हमें टमाटर को भी हल्का फुल्का सॉफ्ट करना है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना। अब मैं इसे ढक के रख दूंगी ताकि हमारे जो टमाटर हैं ये वह हल्के फुल एक से दो मिनट के लिए, ताकि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं हल्के फुल्के। फिर मैं इसमें सूखे मसाले डालूंगी, जैसे कि लाल रंग वाली लाल मिर्च एक चम्मच, नमक स्वाद अनुसार आधी चम्मच, काली मिर्च। फिर इन सूखे मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी प्याज टमाटर शिमला मिर्च के अंदर। अब हमारी स्टफिंग बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। अब मैंने, देखिए मैं आपको पास्ते भी दिखा देती हूँ। ये मैंने अमूल चीज़ क्यूब लिए हैं, कद्दूकस करके कर रख दिया है। अब जो स्टफिंग हमने तैयार करी थी, मैं अब उसे ब्रेड पे लगा रही हूँ। मैंने यहाँ पे ब्राउन ब्रेड ली है, आप चाहे तो वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। हमें ब्रेड में अच्छे से लगानी है, ताकि हमारे ब्रेड में चारों कोनों में और बीच में अच्छे से लग जाए। फिर मैं इसके ऊपर चीज डाल दूंगी, जो बाजार में आपको इजीली अवेलेबल है, मिल जाएगा। अब उधर मैंने तवा गैस पे रख दिया है गरम करने के लिए, और एक चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब तवे पे मैं ब्रेड डाल रही हूँ। अब हम इसे सिम आंच में सेकेंगे और हल्का फुल्का इसे दबाएंगे, हमें ज्यादा नहीं दबाना। अब मैं इसे पलट लेती हूँ ताकि हमारी दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाए। हमें सिम आंच में इसलिए सेकना है ताकि इसमें जो हमारा चीज है काफी अच्छे से मेल्ट हो जाए। और धीरे हाथों से इसे हमें दबाते चलना है। अब हमारा सैंडविच बनके तैयार हो चुका है, चीज सैंडविच। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। अब मैं आपको पास से भी दिखाऊंगी ये कितना बढ़िया लग रहा है। देखिए, यमी एंड टेस्टी चीज सैंडविच बनके तैयार हो चुका है। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है ये, और खाने में उतना ही टेस्टी है। प्लीज़ आप मेरी इस रेसिपी को जरूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। साथ ही में मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि मेरे को आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।